इतनी पावर होने के बावजूद आपको ARAI 20 का माइलेज क्लेम करती है, चल रही है थर्ड गियर में। बट अगर मैं इसको सिक्स गियर पर भी डालता हूँ ना, आप देख सकते हो विदाउट कुछ नॉकिंग एकदम स्मूथली चलती है। Hyundai के स्टेयरिंग्स भी पहले से बहुत ही स्मूथ रहे हैं, और अब अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बजर आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक मैंने i20, Esta, i20 Sports सब पर ड्राइव रिव्यू शेयर करा है, बट आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है बिकॉज मैं बैठा हूँ IMT में, एंड स्पेशली ये टर्बो वेरिएंट है तो पावर भी बहुत ही गजब की इसकी, तो चला कर देखेंगे। इसी के बाद आपको विक्रम अंकल की कार है मेरे अंकल की, तो इनके साथ आपको ओनर रिव्यू भी देखने को मिलने वाला है। सो इस वीडियो के थ्रू कोई भी आया हो तो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सीट बेल्ट्स लगा लेते हैं, एंड जैसा कि IMT टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, ब्रेक पे प्रेस करना है। एंड अगर मैं फर्स्ट गियर डाल के ब्रेक को छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हो अभी मैंने रेस और ब्रेक नहीं दिया, फिर भी एकदम स्मूथली गाड़ी बढ़ रही है। सो इसके आज डिटेल में सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद द इंजन स्पेसिफिकेशंस, 1 लीटर का टर्बो इंजन इसमें प्रोवाइड करा गया है जो कि अराउंड 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर फिगर्स इतने अच्छे हैं कि अगर आप कौन सी सब कॉम्पैक्ट SUV से भी कंपेयर करोगे ना तो आपको बहुत ही बढ़िया पावर मिलने वाली है। इतनी पावर होने के बावजूद आपको ARAI 20 का माइलेज क्लेम करती है, मतलब सिटी में आपको 15-16 एंड हाईवेज पे 18-19 ईजिली देगी। एंड अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है, इकोनॉमी पर चलाते हो, तो आपको 20 प्लस भी दे सकती है। एंड गाइस, सबसे खास बात क्या है, IMT की अभी चल रही है थर्ड गियर में, बट अगर मैं इसको सिक्स गियर पर भी डालता हूँ ना, आप देख सकते हो विदाउट कुछ नॉकिंग एकदम स्मूथली चलती है। बट अगर मैं सिक्स गियर पे स्पीड स्लो करूँगा तो यहाँ पर बजर आ जाएगा, जो कि अभी मैं आगे आपको ट्रैफिक में दिखाऊंगा। बट ओवरऑल आप देख सकते हो सिक्स गियर में भी मैं अगर थोड़ा रेस दे रहा हूँ तो टॉर्क इतना बढ़िया है गाड़ी का कि नॉकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, और बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। IMT किसे लेना चाहिए, मतलब जिसे पहले से एक मैनुअल कार ओन करने की इच्छा है, बट ट्रैफिक को देखते हुए, सिटी पर्पस ड्राइविंग को देखते हुए आप ऑटोमेटिक नहीं ले पा रहे हो, तो आप IMT ले सकते हो जो कि सेमी ऑटोमेटिक है, आपको पूरा मैनुअल का मज़ा देने वाला है, बट आपको क्लच दबाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन प्रोवाइड करा है, रियर में टॉर्सन बीम, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड सस्पेंशन है। एंड 16 इंचेस के व्हील होने के कारण आपको बिल्कुल भी जर्क्स या बम फील नहीं होने वाले। एंड अगर पावर की बात करें तो आप देख सकते हो थर्ड गियर पे मैंने रेस दे दिया, मतलब बहुत ही अच्छे से होती है, और मैं गियर चेंज कर रहा हूँ नहीं मुझे फील हो रहा है, साथ में मेरे साथ विक्रम अंकल बैठे हैं, मतलब इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग, ऐसा पता ही नहीं लगता गियर चेंज हुआ है, बिकॉज अराउंड 340 किलोमीटर्स चलाई है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको जैसा कि मैंने बताया, अभी वीडियो डालने वाला हूँ उसमें शेयर करेंगे। बट Hyundai के स्टेयरिंग्स भी पहले से बहुत ही स्मूथ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है आप देख सकते हो, थोड़ी हाई स्पीड होती है तो हार्ड हो जाते हैं, बाकी अगर आप सिटी रनिंग में बहुत ही स्मूथ रहते हैं, बहुत ही लाइट रहते हैं, मतलब आपको हाथ में ऐसा बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगी अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हो तो। स्पोर्ट्स जैसे कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और ये भी आप देखोगे तो जैसा कि अंकल ने बताया नई वाली जो वरना आ रही है उसमें सेम ही है, तो मतलब एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, अंदर अगर आप बैठे हो ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप एक कौन सी हैचबैक में बैठे हो, मतलब स्पेस भी इतनी बढ़िया है। स्पेशली जैसा कि मैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करूँ, मैंने अभी अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें भी बताया, ये जो है ना थोड़ा ड्राइवर की साइड टिल्टेड है, तो आपको मतलब देखने में बहुत ही ईजी रहता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम लगता है पूरा। हाँ इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसा नहीं लगता अगर आप कौन सी नई बलिनो को ही कंपेयर कर लोगे तो उसमें ऐसा लगता है कंपनी ने आफ्टर मार्केट टाइप फिट करा है, बट इसमें एक मतलब पूरा एक फ्लो में दिया इंटीरियर जो कि एक फ्यूचरिस्टिक लुक इसको प्रोवाइड करता है। एंड स्पोर्ट्स वेरियंट अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, अगर मैं आपको इसकी प्राइजेस शेयर कर दूँ, 8,78,000 रुपीज एक्स शोरूम है, ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट इंदौर मध्य प्रदेश में अराउंड 10 लाख रुपीज के अराउंड आपको ये कार मिल जाएगी, और इतनी बढ़िया पावर ये जनरेट करती है, लाइक थर्ड गियर में ही है, बट मैं सिंपली थोड़ा सा रेस दूंगा, आप देख सकते हो एक जो पंच चाहिए ना वो ये प्रोवाइड करती है। न्यू लर्नर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाली है, जिसे मैनुअल चलानी है बट कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो आप IMT के लिए जा सकते हो। न्यू लर्नर रहता है उसको ऐसा होता है कि फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर थर्ड गियर प्रॉपरली नहीं जा सकता, अब जैसे कि यहाँ पर टर्न आ रहा है, मैं थोड़ी अगर स्लो करके आपको दिखाऊँ तो अब जैसे कि मैं समझो न्यू लर्नर हूँ, और अगर मैं कार को जैसे कि वैसे तो ये बिल्कुल भी नॉक नहीं करती बट आपको ये बजर इंडिकेट कर देगी, अब जैसे कि मैं स्लो कर रहा हूँ, मैंने डाल ली है फिफ्थ गियर पे, अब मैंने यहाँ स्लो कर ली है कार को, और अब अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बजर आ गया, तो अगर मैं अब थर्ड गियर में डाल दूंगा फिर भी नहीं होगा, बट अगर मैं यहाँ पूरी आइडल स्टॉप कर लूँ एंड कार को ले लेता हूँ सेकेंड गियर में, बट आप गाइस देख सकते हो सेकेंड गियर में भी इतनी बढ़िया गाड़ी बढ़ रही है, 1% भी नॉकिंग मुझे फील नहीं हुई।
एंड जो भी कोई न्यू लर्नर से वो एक चीज का ध्यान रखना कि आपको जो मैनुअल से स्पेशली IMT पे आ रहे आपको लेफ्ट लेग का यूज नहीं करना है, जैसे कि डेड पेडल पे मैंने लेफ्ट में रख दिया है उसको बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो कोई न्यू लर्नर है तो वो एकदम क्लच समझ के ब्रेक को जोर से ना दबा दे, इसलिए लेफ्ट लेग को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अगर आप कौन सी भी IMT या ऑटोमेटिक कार चलाते हो। बट हैंडलिंग तो इतनी प्रॉपर है ना, एंड फ्रंट लुक जैसा कि अभी आपको ये शॉट दिख रहा होगा फ्रंट का इतना फ्यूचरिस्टिक लुक आता है, पर्सनली मुझे भी वरना पसंद है, तो जिसे मतलब वरना ओन करनी है बट वरना इतना बजट नहीं है तो आप i20 के लिए जा सकते हो। और एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, ये जो अभी मैं टर्बो वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूं ये आपको Hyundai वरना में अराउंड 17 lakhs रुपीज का ऑन रोड जाता है सेम पावर फिगर से, हालांकि उसमें माइलेज कमी मिलने वाला है बिकॉज उसके वेट और डायमेंशन ज्यादा है, उसमें अराउंड 19 का माइलेज क्लेम करती है बट इसमें कंपनी कर रही है 20 का, तो इतने अच्छे पावर फिगर्स के साथ इतना अच्छा माइलेज दे रही है तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। एंड आप देख सकते हो मतलब बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, ओवरऑल आप अगर देखोगे तो कूलिंग बहुत बढ़िया है, अभी अराउंड 2 पे AC चल रहा है, अराउंड 40-45 का बाहर टेम्परेचर है फिर भी अंदर एकदम प्लीजेंट टेम्परेचर है, रियर AC वेंट्स भी इसमें प्रोवाइड करेगा है। एंड अगर मैं पर्सनली रियर कम्फर्ट शेयर करूँ ना, पीछे 6 feet भी कोई बैठा है ना तो उसके मतलब लेग रूम एंड हेड रूम सफिशियंट रहने वाला है, में आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, SOS एंड ऑटो डिमिंग जैसे फीचर्स आपको एस्टा वेरिएंट में मिलेंगे, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे सारे फीचर सपोर्ट करता है ये। स्पेशली आप देख सकते हो मेरे को सिटी में चलाने में गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली, बिकॉज इजीली आप देख सकते हो गियर नॉब इतना छोटा है ना, तो ऑटोमेटिक में भी जैसा कि आप DR सब पे जाते हो तो इसमें कुछ इस टाइप का एकदम स्मूथ गियर शिफ्टिंग है इसमें। देन एक और प्लस पॉइंट इस गाड़ी का बताना चाहूंगा वो है इसके ORVMs, आप साइज देख सकते हो इतनी बड़ी है ना, मतलब रियर का व्यू बहुत ही इजीली यहां से मिल रहा है। एंड ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है बट आपको इसमें सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम ही मिलेंगे। एंड सेकेंड गियर पे उठ रही है जैसा कि मैंने पहले भी शेयर करा तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड सेकेंड से फिर आप थर्ड डाल रहे हो या फोर्थ डाल रहे हो आपको बिल्कुल भी नॉकिंग फील नहीं होने वाली, जैसे कि मैंने फिफ्थ डाल दिया, थोड़ी धीरे लीनियर बढ़ेगी कार बट आपको नॉकिंग बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है, यहाँ पर आपको कुछ भी व्यू ब्लॉक नहीं हो रहा है, जैसा कि आप मारुति या टाटा की कार्स में देखोगे ना तो आपको यहाँ पर पिलर ब्लॉक करता है, बट ये व्यू बहुत ही बढ़िया है। ट्विटर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, 4 speakers 2 tweeters है, मतलब टोटल 6 speakers का सिस्टम है, तो साउंड क्वालिटी भी आपको अल्टीमेट मिलने वाली है। बोस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि आपको अभी अल्कजार क्रेटा सब में देखने को मिलता है, बेस्ट इन क्लास है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट रहने वाली है, जिसका 10 lakh का बजट है और उसे कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा है कि यार मैं तो सब कॉम्पैक्ट SUV लूंगा, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा एक बार i20 चला कर देखो, IMT की स्पेशली ड्राइव लेकर आओ टर्बो मॉडल की, आपको बिल्कुल पता लगेगा ये गाड़ी की क्या पावर है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इस कार के साथ, जितनी भी मैंने चीज़ें थी आपके साथ शेयर कर दी, बट कुछ भी आपको डाउट बच रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैनल पर कोई भी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।